हेलो राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कल जो है ना, मैं कौन सी फ्रॉक लेकर आई थी आपको दिखा दूँ, फिर जो है ना कामों में व्यस्त हो जाऊँगी तो नहीं दिखा पाऊँगी। तो देखिए, ये है वो फ्रॉक जो मैं कन्या के लिए लेकर आई हूँ। और प्लीज़ आप जज मत करना कि आप ऐसा लेकर आए हो, आप वैसा लेकर आए हो। तो ये गर्मी के मतलब की फ्रॉक है, मतलब जिस भी लड़की को, कन्या को मैं दूंगी ना, तो बहुत अच्छे से वो उसको पहनेगी। गर्मियों में काफ़ी कंफर्टेबल है, इसका कपड़ा बहुत अच्छा है। जैसे कि मुझे खुद को, अपने अपने आप को भी जो है ना, मुझे इसी तरह के सॉफ्ट वाले कपड़े अच्छे लगते हैं, तो मुझे फ़्रॉक अच्छी लगी, तो ये फ़्रॉक मैंने उसके लिए ली है। और बाकी सब कन्याओं को देने वाला जो सामान है वो ऑलरेडी था मेरे पास, इसलिए नहीं लेकर आई हूँ मैं। तो मैंने सिर्फ ये फ़्रॉक खरीदी और बस घर का छोटा मोटा जो सामान होता है, जो ख़त्म हो जाता है, बस वो ख़रीदा। तो ये फ्रॉक है। तो बस अब जो है ना, सुबह का मेरा सारा काम हो गया है, एक्सरसाइज भी मैंने पूरी कर ली है, और मैं पी रही थी यहाँ पे पानी जब तक। सोचा चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ, वरना अगर मैं सोचूंगी ना तो वीडियो स्टार्ट नहीं हो पाता। तो बस इस चक्कर में मैंने फटाफट पूरा पानी पी लूँ, उसके बाद जो है ना मैं जा रही हूँ डायरेक्ट नहाने। और घर का ऑलमोस्ट पूरा काम हो चुका है। हाँ, थोड़ा सा मैं लेट हो जाती हूँ, क्योंकि देखो मैं आपको एक बात बताऊँ, आपका शरीर सही है ना तो आप सब कर सकते हो, पूजा कर सकते हो, पाठ कर सकते हो, दान पुण्य कर सकते हो। अगर आपका शरीर सही नहीं है, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो शरीर को सामर्थ्यवान बनाने के लिए थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैंने पहले थोड़ा बिल्कुल ही बंद कर दी थी। अभी भी करती हूँ, पर थोड़ी कर रही हूँ, ज़्यादा एकदम नहीं कर रही हूँ। तो बस मैंने अपनी एक्सरसाइज वगैरह की है। और देखिए, कोई कंपटीशन नहीं है कि 4 बजे उठकर ही पूजा पाठ करनी है। गृहस्थ जीवन है, गृहस्थी वाला जीवन है, बहुत कुछ देखकर चलना पड़ता है। घर गृहस्थी के काम भी देखने पड़ते हैं, अपनी हेल्थ भी देखनी पड़ती है, औरों का ख्याल भी रखना पड़ता है। सो सब देखते हुए जो है ना मैं काम करती हूँ। रही हूँ अभी ठाकुर जी की पूजा, और आज करवाने वाली हूँ मैं कन्या पूजन। अष्टमी को करवा रही हूँ, इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि मैंने नवरात्रि का तो देखिए व्रत रखा नहीं है। मैंने 9 दिनों जो है ना माता रानी को हलवे का ही भोग लगाया है। फिर 9वीं के दिन ऐसा होता है कि हमारे यहाँ पर कन्या मिलती ही नहीं है, और मिल भी जाती है तो दिक्कत ये हो जाती है कि कोई भी कन्या जो है ना झूठा मुंह ही नहीं करती, क्योंकि उनका पेट बहुत ज़्यादा भरा होता है। इस वजह से मैं आज कन्या पूजन कर दूंगी, ताकि कन्या जो है ना हमारे यहाँ अच्छे से खा कर जाए। और वही वो रहता है ना कि आप बहुत मन से सब कुछ बनाते हैं, और जब कन्या नहीं खाती ना तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इसी वजह से अष्टमी भी बहुत अच्छा दिन होता है, आप कर सकते हैं। मैंने पंडित जी से पूछा तो उन्होंने बोला कि हाँ कर सकते हैं। तो आज मैं कन्या पूजन करूँगी। मैंने ठाकुर जी की अपनी नित्य पूजा कर दी है, माता रानी की जो पूजा होती है वो भी हो चुकी है। तो बस चलिए चलते हैं, और आज बनाएंगे नवरात्रि के लास्ट डे वाला भोग, चना हलवा और आलू की सब्जी और पूड़ी। आप सब भी आ जाओ, बहुत स्वादिष्ट खाना जो है ना आज बनने वाला है। तो सबसे पहले किया मैंने अपने गैस चूल्हे का पूजन। जब भी कभी कोई खास प्रसाद बनता है तो मैं अपने गैस चूल्हे का पूजन ज़रूर करती हूँ। अरे देखो, मैं तो सिलेंडर चलाना ही भूल गई, तो मैंने फटाफट से गैस सिलेंडर ऑन किया। मैं हमेशा बंद कर देती हूँ, नीचे से सही रहता है। यहाँ पर मैंने सबसे पहले उबलने के लिए रख दिए हैं चने, आलू जब तक मैं ठाकुर जी की पूजा कर रही थी तब तक मैंने उबाल दिए हैं। और एक साइड बनाऊंगी मैं हलवा। हलवा मतलब मेरे घर में सबको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अभी थोड़ा सा कम कर दिया है। हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो बस यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई में डालूंगी थोड़ा सा घी, और सूजी का हलवा बनाने वाली हूँ। वैसे माता रानी की पूजा में जो है ना आटे का हलवा भी बहुत बनता है, बट आज मैं सूजी का बनाने वाली हूँ। जल्दी बन जाएगा, और उसमें एक वो होता है ना कि गुठले बनने की कोई टेंशन नहीं रहती है। अब जल्दबाजी में बना दो तभी बहुत टेस्टी बनता है। तो बस यहाँ पर मेरे पास सूजी रखी थी। सूजी जो है ना मैं हमेशा फ्रीजर में या फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी उसमें कीड़े लग जाते हैं।
तो बस यहाँ पे मैं एक चम्मच सूजी डालूंगी इसमें और थोड़ा सा घी, और हमारा बढ़िया सा हलवा बनकर तैयार हो जाएगा। जैसे मैं सूजी भूजती हूँ ना, उसके साथ साथ जैसे ही सूजी हल्की भुन जाती है ना, उसी के साथ साथ जो है ना मैं ड्राई फ्रूट मतलब मेवा डाल देती हूँ, जो भी मुझे हलवा में डालनी होती है, जैसे किशमिश, नारियल या बादाम वगैरह आपको डालनी है तो सब आप साथ के साथ अगर डाल दे दो ना, तो आपके ड्राई फ्रूट भी जो है ना बहुत अच्छे से भुन जाते हैं और अच्छा स्वाद जो है ना आता है। तो मैं इसके अंदर किशमिश डाल दी है, चने बन गए हैं। ये चने का स्वाद जो है ना बहुत अच्छा होता है, मतलब काले वाले चने नवरात्रि के तो मतलब बहुत फेवरेट है, बहुत अच्छे लगते हैं। को मैंने भोग लगा दिया, अब करूंगी मैं हवन। तो सबसे पहले मैंने हवन कुंड का पूजन किया, इसके बाद गौरी गणेश के नाम की आहुति दी। नवग्रह में 9 ग्रह होते हैं हमारे, तो 9 ग्रहों के नाम की मैंने आहुति दी। इसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पर माता रानी के मंत्र से हवन किया है। वैसे तो ये पूजा जब भी आप करो तो कोशिश कीजिए कि गुप्त रूप में करें, तो जाना ये पूजा जो है ना फलदायी होती है। जितना हम दिखावा करते हैं वो पूजा का असर उतना ही कम हो जाता है, लेकिन हम वीडियो बनाते हैं आप लोगों के साथ, अपनी जीवन जो है ना शेयर करते हैं, इसलिए हम लोग तो शेयर कर देते हैं क्योंकि ये हमारा काम है। लेकिन आप कोशिश कीजिए, अपने तो किनारे में आपको यही सलाह दूंगी कि जब भी आप पूजा करें हमेशा गुप्त रूप से करें। इसके बाद मैंने यहाँ पर 3 बार बतासों का भोग लगाया है। हवन में यानी अग्नि में हमेशा मीठे का भोग लगता है, तो केवल हलवे का भोग जो है ना मैं इस तरह से हवन कुंड में लगाऊंगी। और 5 बार भोग लगाया जाता है हलवे का। अगर आपने खीर बनाई है तो आप खीर का भी भोग लगा सकते हैं। वैसे माता की पूजा में हलवा ही बनता है, और अपनी कुल देवी के नाम का भोग जरूर लगाएं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, फिर जो है ना घी से आचमन करा दें। चलिए अब करेंगे हम आरती की तैयारी। कन्या जो है ना हमारे घर आ गई थी, एक ही कन्या को आज मैं भोजन करा रही हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ कि कन्या भोजन किस प्रकार करवाया जाता है। सबसे पहले कन्या को मैंने पटा पर विराजमान किया है, उनके दोनों चरण धोए हैं, अंगूठे आपको ज़रूर धोने हैं। इसके बाद पैरों में जो है ना आलता लगाया जाता है विदाउट हल्दी, हल्दी नहीं लगाना है कन्या को, केवल उनके पैरों में जो है ना आलता या महावर जो भी आपके पास है वो लगा दीजिए। इसके बाद कन्या के लिए आप जो भी चुन्नी लेकर आए हैं या कपड़े लेकर आए हैं वो कपड़े उन्हें पहना दीजिए। चुन्नी लेकर आए हैं तो चुन्नी भी उड़ा सकते हैं। जब भी आप कन्या करें कोशिश करें कि विषम संख्या में ही आपको करनी है, 5, 7, 9, 11 इतनी कन्याएं जो है ना की जाती है। वैसे नवरात्रि में 9 कन्या का ज़्यादा विधान है, लेकिन मैं आज आपको एक कन्या करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर जो है ना मैंने कन्या को फ्रॉक पहना दी है, पटे पर जो है ना कन्या को विराजमान किया जाता है, जैसे कि हम माता की पूजा करते हैं सेम वही भाव रखकर जो है ना आपको कन्या को अपने घर से प्रसन्न करके जो है ना भेजना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो है ना मैंने कन्या को विराजमान करके जो है ना उसकी थाली लगा दी थी, और थाली में जो है ना कोशिश कीजिएगा 5 चीज़ें आपको ज़रूर रखनी है, मतलब विषम। जब भी आप पूजा पाठ करें कोशिश करें, चाहे सुहाग का सामान दान करें, चाहे कुछ भी दान करें, विषम संख्या होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 4 सामान ही बनाया है, आलू की सब्जी, हलवा, चना और पूड़ी, तो इसमें जो है ना मैं एक फल रख दूंगी, तो कितनी चीज़ें हो गई, 5 चीज़ें हो गई, यानी विषम संख्या हो गई। तो बस चलिए खाना परोसते हैं कन्या के लिए, और कन्या ने बहुत प्रसन्न होकर ये सारा सब कुछ खाया। जितनी बच्चे के अंदर कैपेसिटी होती है उतना उसने बहुत मन से खाया, इसीलिए मैंने आज अष्टमी के दिन कन्या की है, क्योंकि नवमी के दिन जो है ना बहुत मतलब कन्या एक तो मिलती नहीं है, और दूसरी बात मिल भी
भी जाती हैं तो वो खाना खाती ही नहीं है क्योंकि उनका पेट भर जाता है। बच्चे भी क्या करें, 10 जगह जब खाते हैं ना तो उनको खाया ही नहीं जाता, और ऊपर से हलवा पूड़ी बच्चों को कहाँ पसंद आते हैं। आजकल के बच्चों को आलू की सब्ज़ी से तो फिर भी खा लें, लेकिन हलवा पूड़ी तो बिल्कुल नहीं खाया जाता। पहले के ज़माने में मैं आपको एक बात बताऊँ, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि कन्याओं को नमक दिया ही नहीं जाता, केवल हलवा और पूड़ी खिलाई जाती थी। लेकिन आजकल के बच्चे खाते नहीं हैं तो आलू की सब्ज़ी चने वगैरह बना देते हैं ताकि बच्चे जो है ना खा लें। वैसे कन्याओं को जो है ना बिना नमक का भोजन ही दिया जाता है। फिर देखिए अपनी अपनी जगह की परंपरा है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी परंपरा रही है, लेकिन नहीं खाते बच्चे इसलिए हम लोग आलू की सब्ज़ी चने बना देते हैं। तो बहुत प्रसन्न होकर उसने खाया और वो खुश हो गई थी जब मैंने उसको ये फ्रॉक पहनाई ना, तो सच में वो बहुत खुश थी। बच्चों को छोटा मोटा ऐसा सामान दे दो ना तो बच्चे बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। इतनी खुश हो गई थी वो, मैं आपको क्या बताऊँ, दौड़ कर मेरे घर आई। तो बस यही सारी चीज़ें हैं, ऐसा सामान लेकर आएँ जिससे बच्चे जो है ना खुश हो जाएँ और आपके घर पर दौड़े दौड़े चले आएँ। तो ही कन्या ने खाना खा लिया, मतलब भोजन कर लिया, उसके बाद मैंने उसके माथे पे तिलक किया, चावल लगाए और उसे दक्षिणा दी। दक्षिणा बच्चों को थोड़ा सा कम दो क्योंकि ये सही रहता है, तो दक्षिणा देना ज़रूरी होता है। तो मैंने उसको थोड़ी सी दक्षिणा भी दी, इस तरह से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, उसके चरण छुए और प्रार्थना की कि हमारे घर पर जो है ना माता की कृपा हमेशा बनी रहे, हमेशा सुख और समृद्धि से हमारा घर भरा रहे। कन्या के जाते ही हम लोगों को पेटों में भी जो है ना चूहे दौड़ने लगे थे। बेटे को यहाँ पर खाना परोसा है, उसको बहुत स्वादिष्ट लगा, वैसे ही भूख का खाना तो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। चलिए अब मैं भी भोजन करूँगी और इस वीडियो का यहीं एंड करूँगी। ये थी संपूर्ण विधि, आखिरी दिन आपको यानी लास्ट डे नवरात्रि की आपको किस तरह से पूजा करनी है। इस तरह से सादा सिंपल तरीके से आप पूजा कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है, मेरा तरीका आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। मैं कोशिश करती हूँ पूजा पाठ बहुत साधारण और सिंपल तरीके से कर सकूँ क्योंकि घर में अकेली हूँ तो बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं हो पाता है, लेकिन कोशिश करती हूँ कि पूरी विधि विधान से करूँ। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री राधे। आप सब भी आ जाओ।